आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। जुलाई 1959 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 के चंद्रयान ईगल से बाहर निकले और चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। जब उन्होंने चांद पर कदम रखा था तब ये कहा गया कि उनका वो छोटा सा कदम मानवता की बड़ी छलांग है। इस उपलब्धि के काफी समय बाद भारत ने चंद्रयान मिशन पर काम किया। हालांकि भारत में स्पेस अभियान की शुरुआत तब हुई जब इसरो बना था 1962 में। भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बेहद ही कम रिसोर्सेज के साथ की थी और इन्हीं रिसोर्सेज में डॉक्टर विक्रम साराभाई के लीडरशिप में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई। भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। भारतीय स्पेस सेंटर के इतिहास में इसे मील का पत्थर माना जाता है। जब पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारत का अंतरिक्ष यान किसी दिन मंगल के लिए जा सकेगा और यहाँ से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियाँ हासिल करता गया। 18 नवंबर 2022 को एक और उपलब्धि इस लिस्ट में जुड़ी है। भारत का पहला निजी रॉकेट जिसे विक्रम एस नाम दिया गया है उसने 18 नवंबर 2022 को अंतरिक्ष में उड़ान भर ली है। इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है क्योंकि आज के बाद भारत अब उन चंद देशों में शामिल हो गया है जहाँ निजी कंपनियाँ भी अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती है। आज के ज्ञान ध्यान में हम बात इसी विक्रम एस रॉकेट लॉन्च पर करेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान और मैं हूं खुशबू। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, उनकी याद में विक्रम एस का नाम दिया गया है। इस रॉकेट को हैदराबाद की एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट ने बनाया है जिसे श्री हरिकोटा में इसरो के लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसके साथ ही भारत के अंतरिक्ष तकनीक के मामले में निजी रॉकेट कंपनियों के प्रवेश की शुरुआत हो गई है। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है साल 2018 से, जब इसरो के साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका ने नौकरी छोड़कर अंतरिक्ष से जुड़ी अपनी कंपनी चलाने का फैसला किया। उस वक्त भारत में कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था, इसीलिए आईआईटी के इन दोनों पूर्व छात्रों का भविष्य भी धुंधला दिख रहा था। चंदना को अंतरिक्ष और रॉकेटरी का चस्का लगा आईआईटी खड़गपुर में। यहाँ वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। आईआईटी के बाद चंदना ने इसरो ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने 6 साल काम किया। इसरो में ही चंदना की मुलाकात एक दूसरे आईआईटीएन नागा भरत डका से हुई। दोनों ने एक दूसरे के सपने को समझा और नौकरी छोड़ दी। 2018 में दोनों ने मिलकर स्काई रूट एयरस्पेस की शुरुआत की और अब जाकर 4 साल बाद इसी कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। अब आते हैं विक्रम एस रॉकेट पर। विक्रम सीरीज में 3 तरह के रॉकेट लॉन्च किए जाने हैं जिन्हें छोटे आकार के सैटेलाइट्स ले जाने के मुताबिक विकसित किया गया है। विक्रम 1 इस सीरीज का पहला रॉकेट है। बताया जाता है कि विक्रम 2 और 3 भारी वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकते हैं। स्काई रॉकेट पहले ही बता चुका है कि मई 2022 में रॉकेट का सफल टेस्ट हो चुका है। कंपनी ने अपने इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा है। स्काई रूट के बयान के मुताबिक विक्रम एस की लॉन्चिंग 12 से 16 नवंबर के बीच होनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे 18 नवंबर को लॉन्च किया गया। अब चूंकि ये लॉन्च हो गया है तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन है और इसकी क्या खासियत है, विक्रम एस के बारे में साइंस से जुड़ी खबरों पर बारीक नजर रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर रुचिक मिश्र बता रहे हैं। देखिए, स्काई रूट के जो को फाउंडर्स हैं पवन और भरत डेका, दोनों से मेरी लास्ट ईयर मुलाकात हुई थी। तब इनकी कंपनी, 3 साल हो चुके थे इनकी कंपनी को बने हुए और ये पिछले 2 साल से विक्रम एस रॉकेट पे मेहनत कर रहे थे और इन्होंने 2 साल में इसको डेवलप भी कर लिया। और सिर्फ डेवलप नहीं किया, इस रॉकेट का, रॉकेट की पूरी बॉडी जो है वो कार्बन कंपोजिट है, मतलब हल्की है और उसमें किसी तरह का प्योरली उसको किसी धातु से नहीं बनाया गया जैसे नॉर्मली इसरो के PSLV या GSLV रॉकेट्स या बाकी SSLVs जो बनते हैं, बूस्टर्स बनते हैं। ये सिंगल स्टेज का लंबा रॉकेट है, हल्का है, साइज में छोटा है,
दूसरी खासियत जो है इसका, जो क्रायोजेनिक अभी इसमें जो बूस्टर्स लगाए गए हैं नीचे जहां से आग निकलती है, साधारण भाषा में अगर कहें तो जिस हिस्से से आग निकलती है उस हिस्से को 3D प्रिंट करके बनाया गया है, तो वो भी सस्ता पड़ा है बाकी किसी अन्य रॉकेट की तुलना में ये। और इसमें जो फ्यूल है वो आम रॉकेट की तुलना में सस्ता फ्यूल यूज़ किया गया है, LNG यूज़ किया गया है, लिक्विड नेचुरल गैस जो होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सबसे बड़ी खासियत तो ये आ जाती है कि रीयूजेबल है, मटेरियल सस्ता है, हल्का है, और प्रदूषण और ये सारी चीज़ें जो होती हैं रॉकेट से भी प्रदूषण फैलता है वो कम फैलता है, और इकोनॉमिक है, 30-40% सस्ता पड़ जाता है ये और किसी भी रॉकेट की तुलना में। अरबपति एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने अमेरिका में हालिया रॉकेट लॉन्चिंग की थी, उसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां बटोरी थी, और अब ये ट्रेंड भारत में भी पहुंच चुका है। स्काई रूट पहली स्टार्टअप कंपनी तो है जिसने इसरो के साथ रॉकेट लॉन्चिंग के लिए पहला MAU साइन किया है। इसके अलावा चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस और स्पेस किड्स, कोयम्बटूर स्थित बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां हैं जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेजने के मौके की तलाश में हैं। स्काई रूट को भरोसा है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी संख्या में और बेहद किफायती रॉकेट बना सकेगी। अगले एक दशक में कंपनी ने 20,000 छोटे सैटेलाइट्स छोड़ने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना अब टैक्सी बुक करने जैसा तेज, सटीक और सस्ता हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि रॉकेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इन्हें 24 घंटे के अंदर असेंबल कर किसी भी लॉन्चिंग सेंटर से छोड़ा जा सकता है। अब तक देश के सभी स्पेस मिशन और रॉकेट बनाने का काम इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो करता आया है, जो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। केंद्र ने पिछले साल स्पेस टेक सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के बीच सहयोग के लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत की थी। अनुमान है कि 2040 तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस उद्योग का आकार $1 ट्रिलियन तक हो जाएगा। भारत इस आकर्षक बाजार में जगह बनाने को आतुर है। इस उद्योग में भारत की हिस्सेदारी अभी महज 2% है। भारत इस गैप को भरने के लिए नई स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। निजी कंपनियों के रॉकेट बनाने से भारत को किन किन मायनों में फायदा होगा, रुचिक मिश्र से सुनिए। देखिए, दुनिया में करीब इस टाइम 4 दर्जन करीब होंगे, या मेरे ख्याल से 3 दर्जन के 40-42 के आसपास जो है प्राइवेट कंपनियां हैं जो प्राइवेट रॉकेट बना रही हैं, निजी रॉकेट्स, जिसमें से 3 भारत में है, एक अग्निकुल है, एक बेलाट्रिक्स है और एक स्काई रूट है। तीनों रॉकेट बना रहे हैं, बाकी दोनों के परीक्षण चल रहे हैं। स्काई रूट इस मामले में सफल रहा कि उसका रॉकेट पहले तैयार हो गया, उन्होंने इसरो के प्लेटफॉर्म से उसकी लॉन्चिंग भी कर दी। अब जहां तक बात रही फायदे की, तो ये ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको अगर मैंने एक काम दे रखा है कि 1 घंटे में आपको ये 10 काम करने हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सरकारी संस्थान हैं, तो आपने एक निजी कंपनी से मदद ली, बाहर से अपने पड़ोस में अपने किसी भाई या दोस्त को बोला कि भैया जरा ये 10 में से 4 काम हमारा तुम जरा देख लो, तो वो प्राइवेट कंपनी आएगी और इसरो उसमें मदद लेगा कि हम अभी बड़ा रॉकेट नहीं लॉन्च कर सकते, आप अपने छोटे रॉकेट से ये 4 उपग्रह जो है दाग दीजिए, तो ये ले जा करके इसको अंतरिक्ष में स्थापित कर देंगे। बड़ा बेनिफिट होगा, वर्कलोड कम होगा, दूसरा इकोनॉमी शेयर होगी, अपने बाहर से आने वाला पैसा जो है वो देश में ही रहेगा, जो बट जाता था पहले अलग अलग कंपनियों में या खाली इसरो के पास रह जाता था, कुछ हिस्सों में बटता था, अब वो प्राइवेट एजेंसीज के पास भी जाएगा, प्राइवेट कंपनीज के पास जाएगा, तो वो फ्यूचर डेवलपमेंट और कर पाएंगे, नए रॉकेट्स बना पाएंगे। स्काई रूट का प्लान है कि वो 3 और रॉकेट बनाने वाले हैं, ये तो स्मॉल था, विक्रमएस था, इसके बाद विक्रम 1, विक्रम 2, विक्रम 3 बनाने वाले हैं। सेकेंड और थर्ड में ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन भी लगाएंगे, तो वहाँ भी ये इकोनॉमिकली बड़े फायदेमंद होने वाले हैं। सबसे बड़ा तो ये हो गया कि लोड कम हो जाना इसरो का, दूसरा ये हो जाएगा कि हमारे पास प्राइवेट रॉकेट लॉन्च करने की फैसिलिटी है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं, उनसे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जब इंडिया की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री जो है वो फैलेगी, तो यहीं के इंजीनियर्स, यहीं के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो यहीं खपेंगे, उनको यहाँ जॉब मिलेगी, वो बाहर की ओर नहीं भागेंगे, तो एक जो ब्रेन ड्रेन वाली समस्या रहती है वो भी किसी हद तक सॉर्ट आउट होगी। और दूसरा एक खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होता है कि आपकी आंखों के सामने 6,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 7,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने देश का रॉकेट ऐसे भन्नाट अंतरिक्ष में चला जा रहा है, तो ये गौरव की अनुभूति जो है ये
बहुत मायने रखती है। तो जैसा कि ऋषि बता रहे थे कि देश में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने से इनोवेशन बढ़ेगा और कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्चिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे इन कंपनियों को अपना स्पेस मिशन पूरा करने का मौका भी मिलेगा और अंतरिक्ष की उड़ान सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय और नियमित होगी। बाकी स्कोराइट विक्रम 2 और 3 भी लॉन्च करने वाला है, जैसे कृचिक मिश्र बता रहे थे। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें radio@aajtak.com पर भेजिए। खुशबू के साथ थे आप, नमस्कार।